वो डाकू था ना उसके कि एक आदमी ने आके जनाबे इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहि सलाम से कहा, मौला एक मकाम है वहाँ से जब लोग गुजरते हैं तो वहाँ उन्हें डाकू लूट लेते हैं। तो मौला ने कहा अब नहीं लूटेंगे। वो जो डाकू था ना उसके ख्वाब में मौला आए, उससे कहा सब मेरी ज़ियारत के लिए आते हैं, तू कब आएगा? सुबह उठा, लोगों से कहा मैंने ऐसा ख्वाब देखा, मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, चोर हूँ, डाकू हूँ, मेरे ख्वाब में क्यों आए? का पता नहीं, शायद ख्वाब सच्चा ना हो। अब एक मर्तबा एक आदमी आया मोमिन, कहा मुझे इमाम रज़ा ने भेजा। कहा मेरे नाम से भेजा? कहा हाँ। नाम लेके कहा उससे कहना तू कब आएगा मेरी बारगाह में? कहा मौला से जाके कहना मैं बहुत गुनहगार हूं, मैं चोर डाकू हूं, मैं गुनहगार हूं इसलिए नहीं आता। उसने ऐसे ही जाके मौला से कहा, कहा मौला वो कहता है मैं चोर हूं डाकू हूं, किस मुंह से आऊं? मौला ने कहा मेरे पास सिर्फ नेक नहीं आते, हर तरह के लोग आते हैं। उससे कहो आए तो सही, जितना भी गुनहगार हो। अब एक मर्तबा सोचने लगा मुझे इमाम ने बुलाया है, इस किरदार से कैसे जाऊं? तवज्जो। सोचने लगा मैंने इतनी चोरियां की, इतनी डकैतियां की, किस मुंह से जाऊं? तो फिर कहा अच्छा तौबा कर लेता हूं, मौला से मिलने जा रहा हूं। लूटा हुआ माल लौटाने लगा, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, लूटा हुआ माल सबको लौटाने लगा। लोगों ने कहा भाई जब तुमने लूट लिया था हमें भी तुम्हारा डर लगता है, लौटाने क्यों आए हो? कहा मैं नहीं लौटा रहा था, मुझे मौला ने बुलाया है, जाऊं तो किस मुंह से जाऊं? जब तक सबकी अमानत है लौटाना दूं। अब रोता हुआ पहुंच तो गया, फिर शर्मिंदा, मैंने लौटा दिया लेकिन पता नहीं तौबा कबूल हुई या नहीं हुई। तवज्जो। अब वो खड़ा सोच रहा था, रो रहा था मौला के कैसे जाऊं घर में, कैसे बारगाह में जाऊं? मौला ने खुद दरवाजा खोला, कहा आ जा, जब हमने तौफीक दी आने की तो हम ही कबूलियत का दर्जा रहे। सब मुंतजर हैं आपके, क्या हुक्म है हुसैन? जवान रो रहे हैं, इनको गले लगा ले, कर्बला के मालिक मालिक कर वो बला बुला ले।